अस्सलाम वालेकुम, क्या आप भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम के साथ मुब्तला हैं? यानी कि सुबह उठें तो आपके मुंह में से कुछ गंदी स्मेल आए और सारा दिन भी ऐसे ही हो और आप बात करने में शर्मा रहे हैं। और आपको पता है कि इसका हल भी है जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रही है और आप चाहते हैं कि इससे निजात हासिल कर लें। लोग ये नहीं जानते कि इसकी होने की वजह क्या है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उसका कोई हल भी नहीं पाते। और खाने पीने में कौन सी ऐसी अशिया हैं जो हम हर रोज़ अपने खुराक में उनको लेते हैं और उनकी वजह से हमारे मुंह से बैड ब्रेथ या जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं वो होती है, और इसके आपकी जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह दांतों के अंदर जो है वो गंदगी का जमा होना और आपकी ज़ुबान का जो पिछले वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजाइड करते हैं, यानी कि वो मौजूद होते हैं। उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्मेल जो होती है वो आपके ब्रेथ में शामिल होने के बाद होती है। कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिस तरह की सांस की बीमारियां हैं या आपके फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी बैड ब्रेथ आती है, लेकिन बहुत सी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंह का साफ ना करना। तो फौरी तौर पर अपने डेंटिस्ट के पास जो है वो विज़िट करें और अपने माउथ का चेकअप करवाएं ताकि वो ये बात डायग्नोज कर सके कि जो आपके मुंह में से बैड ब्रेथ या जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं वो क्यों हो रही है, क्या उसका जो पैदा होना है वो आपके माउथ की ओरल हाइजीन जिसमें दांतों की सफाई, मुंह का साफ़ रखना, ज़ुबान का साफ़ रखना, इसके साथ उसका कोई ताल्लुक है या नहीं।